रेलवे स्टेशन पर गाने वाली एक महिला अपनी आवाज के कारण ऐसी मशहूर हुई कि आज देश में उन्हें हर कोई स्टार के तौर पर पहचानता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं सिंगर रानू की। रानू को हिमेश रेशमिया ने बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर डेब्यू भी करवा दिया है। वही इतनी पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद रानू एक के बाद एक शोज में पहुंच रही हैं और हर शो में कोई ना कोई गाना गाकर सभी को अपनी आवाज में मुग्ध कर दे रही हैं। हाल ही में रानू का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो इंस्टाग्राम के जरिए सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो गया है। इस वीडियो में रानू खचाखच भरे हॉल के सामने गाना गाती हुई नजर आ रही है। वहीं रानू की सुरीली और दमदार आवाज पूरे हॉल में गूंज रही है। वीडियो को देखकर मालूम होता है कि ये किसी इवेंट में किया गया है। इंस्टाग्राम पर रानू के एक फैन पेज ने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि ये रानू का पहला स्टेज शो है जो पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में आयोजित हुआ है। इस वीडियो की खास बात ये भी है कि स्टेज पर रानू के साथ वो शख्स खड़े हैं जिन्होंने रानू का वीडियो बनाया था और उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। वहीं रानू को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये उनका पहला स्टेज शो है। रानू जिस अंदाज में गा रही हैं, उसे देखकर लोग मोहित होकर तालियां बजा रहे हैं। स्टेज पर भी रानू ने हिमेश रेशमिया का गाना तेरी मेरी कहानी गाया है। बात करें रानू की निजी जिंदगी की तो मशहूर होने से पहले गरीबी का आलम ये था कि रानू को रेलवे स्टेशन पर कोने में बैठकर भीख मांगनी पड़ती थी। वो गाना गाती और रास्ते में गुजरते लोग उनकी आवाज सुनकर उन्हें कुछ पैसे या खाने की चीजें दे जाया करते। रानू ने अपने हालातों के बारे में खुद एक सिंगिंग रियलिटी शो में बताया था। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।